यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। जानकारी मिलते ही सिधौली पुलिस मौके पर पहुंच गई, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। जिन दो लोगों की मौत हुई है उनका पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे में जो लोग जख्मी हुए हैं उनका कहना है कि वो लखनऊ इटौंजा से मछरेटा तिलक लेकर गए थे। तिलक के बाद जब वो वापस आ रहे थे तभी उनका टेम्पो डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। सर, हम लोग पीछे बैठे थे, टेम्पो चल रहा था, अगला वाला पहिया टूटा, कोई खड़बड़ खड़बड़ हुआ, फिर पलट गया गाड़ी, हम फिर नहीं जान पाए। फिर एकदम कहाँ से आ रहे थे आप? हम हरपालपुर से तिलक लेकर के गए थे मोहना से, इटौंजा मोहना। अच्छा, किसका तिलक था आपके? हमारी भतीजी का था। अच्छा, कितने लोगों का था हमारी? अच्छा, कितने लोगों को चोटें आई हैं? हमारे बड़े भाई हैं जोशी, शंकर जोशी हैं, लोकेश मेरा भतीजा है, वो टेम्पो चला रहा था। तो क्या कुछ लोग एक्सपायर भी हुए हैं? अब बता रहे हैं कि हमारे देखो चोट लगी है, बता रहे हैं कि हमारे बड़े भाई श्री शंकर खत्म हो गए हैं, और वो लोग कुछ भतीजा है वो ईश्वर जाने क्या हुआ, वो चोट कुछ खाए हुए हैं। ठीक। लखनऊ सीतापुर के बीच सिधौली के पास टेम्पो डिवाइडर से टकराया है, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, चार लोग बुरी तरह जख्मी हुए। घायलों को पुलिस ने सिधौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अभी उनकी हालत ठीक है। शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सिधौली पुलिस ने भेज दिया। सिधौली से गुरप्रीत सिंह, रिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।